कनाडा सरकार कैसे खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों के प्रति हमदर्द है, किस तरीके से उनको समर्थन कर रही है, कैसे भारत की चिंताओं को लगातार वो नजरअंदाज कर रही है, न्यूज 18 इंडिया आपको यह बताएगा कि कानूनी दावपेचों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया कनाडा सरकार ने। दरअसल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी एमलैट एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक देश दूसरे देश से अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के मुताबिक सहायता मांगता है कि अगर दूसरे देश में उस देश के खिलाफ कोई देश विरोधी गतिविधियां पनप रही हैं। खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी गतिविधियां, गैंगस्टर की गतिविधियां कनाडा में लगातार पनप रही थी। पिछले एक साल से भारत की सरकार ने, भारतीय एजेंसियों ने, एनआईए ने, अलग अलग एजेंसियों ने एमलैट के तहत यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत कनाडा सरकार को एक नहीं, दो नहीं, तीन बार गुजारिश भेजी है कि आपके देश की धरती पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं, 20 से ज्यादा या तो खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी या गैंगस्टर या संगठन उस देश में सक्रिय हैं, जो लोकेशन है बाकायदा सरे, वैकनोवर, ब्रिटिश कोलंबिया, ओटावा, इन जगहों पर सक्रिय हैं और जो भी भारत विरोधी गतिविधियां होती हैं तुरंत उनके सबूत इस ट्रीटी के तहत कनाडा की सरकार को, कनाडा की एजेंसी को पहुंचाया गया। लेकिन किया क्या कनाडा सरकार ने? कनाडा सरकार आंख मूंद कर बैठी रही, कनाडा सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और अंततः जब G20 समिट के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री आए, इस दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय एजेंसियों ने अपनी यह दिक्कत, अपनी यह कंसर्न उनको यहां पर रूबरू करवाया और अपने देश में जब वो जाते हैं तो एक घोषित आतंकवादी के प्रति इतनी हमदर्दी जताते हैं और भारतीय एजेंसियों को, भारतीय अधिकारियों को उसकी हत्या के आरोप में उसकी संलिप्तता बताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की घोषणा करते हैं कनाडा की संसद में। तो यह दिखाता है कि किस तरीके से कनाडा सरकार लगातार अपनी आंख मूंदे बैठी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चाहे इंटरपोल हो चाहे एमलैट हो, इस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रावधान होते हैं जो आपस में एक दूसरे जो देश होते हैं वह सहयोग करते हैं कि आपके देश में कोई दिक्कत आए, अगर हमारे देश में के जरिए उस दिक्कत का की उत्पन्न हो रही है तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन कनाडा ने भारत की इस दिक्कत को बिल्कुल नहीं समझा और सिर्फ वहां पर जो गतिविधियां रुकी ही नहीं बल्कि दो साल में अगर हम देखें तो बढ़ती गई। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद क्या हुआ, चार बार भारत विरोधी खालिस्तान समर्थक वहां पर रैलियां निकल चुकी हैं, वहां पर प्रोसेशन निकल चुके हैं, कनाडा की सरकार ने कुछ नहीं किया। और तो और धर्म के नाम पर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत को बांटने, वहां पर जो खालिस्तानियों और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहा है। डेढ़ दिन बीत चुके हैं इस वीडियो के आए हुए, लेकिन कनाडा सरकार ने न तो हेट क्राइम, न तो धार्मिक सद्भावना बिगाड़ना और न ही किसी अन्य धारा के खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, उस आतंकवादी को नोटिस तक नहीं भेजा है। तो ये साफ जाहिर करता है आंख मूंदे बैठी है कनाडा की सरकार भारत की इस चिंता के प्रति और खामोशी से, या फिर हम कहें कि अब तो खुले तौर पर इन गतिविधियों को जो कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचाती है वो अपना समर्थन दे रही है।